हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर हल्द्वानी से 15 किलोमीटर दूर दो गांवों की पहचान उसके भुट्टो के स्वाद के लिए है। पहाड़ी भुट्टो का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि यहां आने वाले पर्यटक बरबस ही इसकी ओर खींचे चले आते हैं। दो गांव अपने मीठे भुट्टों के लिए जाना जाता है और यही भुट्टे यहां के लोगों की जीविका का स्रोत भी हैं। यहां रह रहे ग्रामीण मार्च से लेकर अगस्त तक भुट्टे बेचने का व्यवसाय करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। भुट्टे ही नहीं बल्कि उसमें लगाए जाने वाली चटनी इसके स्वाद को और बढ़ा देती है, तो वहीं मक्खन भी इसमें मिठास और बढ़ा देता है। शायद यही वजह है कि इनके भुट्टों का स्वाद देश विदेश के पर्यटकों की जुबान पर शुमार है। इन दिनों नैनीताल और भीमताल मार्ग पर दर्जनों लोग हाईवे किनारे छोटा सा स्टॉल लगाकर आपको लकड़ी की आग पर भुट्टे भूनते नजर आ ही जाएंगे। और आप भी लेना चाहते हैं ताजे स्वास्थ्यवर्धक भुट्टों का मजा, तो निकल पड़िए अपने दोस्तों और परिवार के साथ पहाड़ की सैर पर। रामबड़ाव के बीच में यहाँ पर गोजिना बैंड है, गोजिना का पेड़ है, अब लोग बाग भट बैंड भी कह देते हैं यहाँ पर। और जाने पहचाने मंत्री से जितने मंत्री हैं पहाड़ के सारे में भुट्टा खाते हैं। पहले आपके हाई कोर्ट के जज लोग जितने थे सारे यहीं पर रुकते हैं। और टूरिस्ट लोगों को तो फिर एक दूसरे से कह करके सभी लोग आते हैं यहाँ पर। और मेरे को यहाँ पर 33 साल हो चुके हैं। ये नमक मिर्च लहसुन चटनी लगा करके मैं बनाता हूँ, तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी जरिया, यही मेरा जरिया है, इसी के मेरा परिवार का पालन पोषण हुआ है। चटनी का आविष्कार मैंने ये आपके 90-92 से शुरू करा मैंने, तो उससे लोग बाग फिर खुद आने लग गए। अब जब भी कच्चा माल ले जाते हैं तो पैकिंग चटनी भी पैकिंग करवा के ले जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि वहाँ पर रुकिए। तो रुकते हैं कहाँ, बरेली से फ़ोन आता है, लखनऊ से आता है, किच्चा रुद्रपुर तो हमारा लोकल ही हुआ, उत्तराखंड ही हुआ, शक्ति फार्म इधर उधर, रामपुर मुरादाबाद, सब जगह से हमारे पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन नंबर लिए रहते हैं। हम यहाँ आम पड़ाव पर मटियाली मोड़ पर भुट्टे बेचते हैं। करीब हमको यहाँ पर भुट्टा बेचते 14-15 साल हो गए। हम यहाँ पर 14-15 सालों से भुट्टा बेच रहे हैं। नैनीताल पहाड़ों को इधर जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पर रुक कर ये भुट्टे को ज़रूर लेता है। ये भुट्टे की खासियत यह है कि ये भुट्टा एक तो एकदम सफ़ेद रंग का होता है, वाइट, ऐसा भुट्टा जो है और जगह मिलता नहीं है पहाड़ों से अलावा। और हमारी चटनी भी यहाँ की फेमस हुई। हम हरी मिर्च धनिया लहसुन की चटनी बनाते हैं पहाड़ी, इसमें मक्खन भी मिलाया जाता है, इसलिए यहाँ का भुट्टा जो है फेमस है। और यही हमारा जो है रोज़गार भी है सीजन में।